बहुत कूल लगता है भाई। तो भाई मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसके अंदर आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की, जो कि है शेयरिंग से रिलेटेड। जी हाँ, यहाँ पे गूगल अपना नियर बाय शेयरिंग वाला फीचर पिछले कुछ टाइम से ट्राई कर रहा था, जो कि आईफोन के एयर ड्रॉप जैसे फीचर की तरह वर्क करेगा, जहाँ पे फिर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं रह जाएगा कि आप अपने फोन में एंड्रॉइड स्मार्टफोन में थर्ड पार्टी शेयरिंग एप्लीकेशन को यूज करें। आप मतलब ज्यादातर जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर गूगल नियर बाय शेयरिंग का अपडेट आ जाएगा गूगल प्ले सर्विसेज के द्वारा, तो हमारे डिवाइसेस को एक ग्लोबल सॉल्यूशन मिल जाएगा कभी भी हमें फाइल शेयर करना होगा तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो यहाँ पे मेरे दो स्मार्टफोन्स को ये गूगल नियर बाय शेयरिंग वाला फीचर मिल चुका है और मैंने इसे टेस्ट किया, काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। जो कनेक्शन का टाइम है एकदम कम है, मतलब कनेक्शन बहुत आसानी से बन जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है और फाइल शेयरिंग स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है। जनरली ये भी P2P यानी कि पीयर टू पीयर कनेक्शन को यूज़ करता है, जहाँ पे ये ब्लूटूथ और वाईफाई की मदद से यानी ब्लूटूथ की मदद से डिवाइस से कनेक्ट होता है और वाईफाई के थ्रू फाइल्स को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करता है। तो ये मैंने ट्राई किया, मुझे काफी सही लगा। तो जैसे ही ये बाकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में आ जाएगा तो आपको फाइल शेयर करने के लिए ऐसे दोस्त से पूछना नहीं पड़ेगा, भाई तेरे पास ये वाला एप्लीकेशन है कि नहीं, या फिर मैं डाउनलोड करूं दूसरा वाला जो तेरे फोन में है। तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक ग्लोबल सॉल्यूशन हो जाएगा फाइल शेयरिंग से रिलेटेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के लाइक्स का जो एम है वो है 500 लाइक्स का, तो आपके एक लाइक से मुझे तगड़ी वाली मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज लाइक जरूर करिए। और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। दूसरे अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट किया फिलहाल इस टाइम पे कुछ दिनों से मोटो वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन को, और इस टेस्टिंग के दौरान मैंने इसमें ये पाया है कि इसमें 4G प्लस या फिर कहें कि 4G करियर एग्रीगेशन नहीं मिलता है, इसका सपोर्ट नहीं दिया गया है। हालांकि चिप सपोर्ट करती है लेकिन मोटो ने इस वाले ऑप्शन को चूज नहीं करा है, नहीं लिया है, तो इसकी वजह से आपको काफी नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेटवर्क प्रॉब्लम किस तरह की है, सिग्नल में कोई भी स्ट्रेंथ का इशू नहीं आएगा आपको, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड अपलोड स्पीड में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैंने इसे कंपेयर किया था पोको X2 डिवाइस से अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइम पे, क्योंकि पोको X2 डिवाइस में करियर एग्रीगेशन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे पोको X2 में डाउनलोड अपलोड स्पीड बेटर थी, हर बार हर टेस्टिंग में उसकी स्पीड बेटर थी। बट हाँ, इतना कहूंगा कि सिग्नल स्ट्रेंथ दोनों डिवाइसेस में एकदम बराबर रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब कॉल वॉल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डाउनलोड अपलोड स्पीड में आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं भी यहाँ पे मोटो ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इसे भी कम कर दिया था, तो मुझे लगा कि आपके साथ जरूर इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को बताना मिस कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में लोगों को फिर दिक्कत होती है बाद में, लोग कहते हैं कि पोको में बढ़िया नेट चल रहा है, इसमें नेट ही नहीं अच्छा चल रहा है, तो उसका ये रीजन हो सकता है। अब अगला अपडेट है मी A3 यूजर्स के लिए और बहुत ही ध्यान से सुनने वाला अपडेट है। अगर आपके पास मी A3 स्मार्टफोन है और उसमें आपको कोई अपडेट आया है रिसेंटली 1.4GB के अराउंड का कोई अपडेट आया है, तो उससे आपको अपडेट नहीं करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसे आपको अपडेट नहीं करना है। Xiaomi की डेवलपमेंट टीम ने इस बार बहुत बड़ी गलती करी है। इन्होंने क्या करा है कि दूसरी कंट्री का, जहां तक मुझे पता है, मेक्सिको का OTA अपडेट इंडिया वाले यूजर्स को पुश कर दिया है, तो इंडियन यूजर्स को मेक्सिको वाला अपडेट इसमें मिल रहा है और यहाँ पे बहुत ही अजीब चीजें हो रही है। अजीब चीजें इस तरह से कि सिम वर्क करना बंद कर दे रही है, सिम 1 नहीं वर्क कर रही है, सिम 2 वर्क कर रही है खाली, और कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी मिल रहे हैं और आपके फोन में कई चेंजेस ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको आजकल में कोई लेटेस्ट अपडेट मिले मी A3 स्मार्टफोन में, तो उसे आपको अपडेट नहीं करना है। अब इसके बारे में टेक्स्टार शाहरुख भाई ने पूरी वीडियो बना रखी है डिटेल में, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब अगली खबर है OnePlus से रिलेटेड। यहाँ पे OnePlus Nord सीरीज जो है, मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही, काफी ज्यादा हाइप में है इस टाइम पे, तो इसके कुछ फीचर्स और ज्यादा रिवील कर दिए हैं, कुछ फीचर्स को रिवील कर दिया गया है ऑफिशियली। हालांकि कुछ फीचर्स अभी भी अनऑफिशियल हैं, लेकिन कुछ फीचर्स को यहाँ पे ऑफिशियल हैंडल्स पे रिलीज कर दिया गया है या फिर बताया गया है। तो अभी तक जो लीक्स आई हैं OnePlus Nord की, उसके अंदर आपको 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस स्क्रीन मिल सकती है, जो कि एक सुपर एमोलेड स्क्रीन होगी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। स्नैपड्रैगन 765G आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि 5G सपोर्टेड होगा। अप टू 12GB की रैम मिल सकती है आपको और 6GB 128GB का वेरियंट भी आपको देखने को मिल सकता है। 48MP का आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात इसमें कि आपको OIS और EIS दोनों का सपोर्ट मिलेगा, तो इमेजेस वीडियोस काफी स्टेबल होने वाली हैं। बाकी 8MP 5MP और 2MP कैमरे आपको और भी देखने को मिल जाएंगे, बेसिकली 4 कैमरे आपको पीछे की तरफ देखने को मिल सकते हैं, और 32+8MP का आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा फ्रंट की तरफ। अब यहाँ पे कंपनी ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे रिलीज किया कि भैया जो एक कैमरा होगा इनमें से वो अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा फ्रंट की तरफ, तो फ्रंट में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल सकता है OnePlus Nord डिवाइस में। तो ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा कि इसमें मतलब डेप्थ सेंसर नहीं भर दिया फालतू में, अल्ट्रा वाइड सेंसर दे दिया, जो कि
यूजफुल है। और एक अपडेट यहाँ पे और आया है OnePlus की तरफ से ही। OnePlus अपने ट्रू वायरलेस बर्ड्स को लॉन्च कर रहा है 21 तारीख को OnePlus Nord लॉन्च किया जाएगा और उसी दिन OnePlus Buds भी लॉन्च किए जाएंगे। अब अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं ये एक अफोर्डेबल ट्रू वायरलेस ईयरफोन हो सकते हैं विद प्रीमियम फीचर, अब ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी 21 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी OnePlus Nord के लिए जो इनवाइट वाला सीन था वो मैंने मंगा लिया है, सब मंगा रहे, तुमने कहा हम भी मंगा लेते हैं। ये ऐसे ऐसे करने में अच्छा लग रहा है काफ़ी। वैसे ये और कामों के लिए है, यहाँ पे ये जो फ़ोन है ना भाई, इसके अंदर जो दिया गया है ये काम का है। इसको स्कैन करके और हम इसकी साइट पे जाके और हम ऑगमेंटेड रियलिटी में फ़ोन के लॉन्च को देख सकते हैं, बेसिकली फ़ोन को ओवरव्यू कर सकते हैं। तो ऐसा सिर्फ मज़े के लिए ये नहीं भेजा है OnePlus ने, मतलब कुछ काम का है ये, कुछ इनोवेटिव लगा मुझे। तो गाइज आज के अपडेट में मुझे बस यही सब कुछ शेयर करना था आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक्स का जो एम है 500 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसे पूरा करवा दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपडेट्स सब कुछ मिलते रहेंगे चैनल पे। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि OnePlus Nord की प्राइसिंग आपको कितनी लगती है। अगर मैं अज्यूम करूं तो 25 से 27,000 रुपए के अंदर इसका बेस वेरिएंट हो सकता है, बट आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है OnePlus Nord कहां पे आएगा, मतलब किस प्राइसिंग पे आएगा। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।